ओम शांति। भगवान उवाच, तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। हम सब जानते हैं कि आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि को जितना भटकाया है उतना पहले कभी नहीं भटकाया था। मनुष्य बहुत एजुकेटेड हो गया, उसके पास बहुत सांसारिक ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी ही ज़्यादा भटक गई और कहीं ना कहीं अटक गई। तो हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने वाली ब्राह्मण आत्माओं को, जो राजयोग के श्रेष्ठ पथ पर चल रहे हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं को अब अपनी बुद्धि को एक परमात्म स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर स्थिर कर देना है। ये स्थिरता हमें अनेक शक्तियां प्रदान करेगी। ये सबसे बड़ी कला है और ये कला आ जाने के बाद अनेक कलाएं स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि एकाग्रता बीज है अनेक कलाओं को संपन्न करने का, उनमें संपूर्ण बनने का। तो हम चेक कर लें हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, हमारी बुद्धि किधर किधर चिपकी हुई है, किन संबंधों में, किन पदार्थों में, किन इच्छाओं में, किन लालसाओं में हमारी बुद्धि फंस गई है, वहाँ वहाँ से उसको निकालें। ये काम हमें ज्ञान के बल से स्वतः ही करना है। दूसरी चीज, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ भी बनाना है। याद करें, बाबा ने कहा, जब हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर कमाल दिखा सकते हैं, तो बुद्धि की सफाई करने वाली तुम सब महान आत्माएं कितने बड़े चमत्कार करोगी। तो ये सच है कि जो आत्माएं अपनी बुद्धि को पूरी तरह स्वच्छ करके, पवित्र करके, उसमें ईश्वरीय खजाने भर लेंगी, उसको वरदानों से संपन्न करेंगी, ऐसी आत्माएं इस स्थापना के कार्य में बहुत बड़ा योगदान करेंगी। तो हम चेक कर लें बुद्धि को स्थिर कैसे करना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम साधनाएं भी बहुत करें, हम अभ्यास भी बहुत करें। बिना अभ्यास के बुद्धि को स्थिर नहीं किया जा सकता। अभ्यास क्या? अपने पांच स्वरूपों को विजुअलाइज करना, परमात्म स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देना। ब्रह्मलोक में हमें सिवाय सर्वशक्तिवान के और कुछ भी दिखाई ना दे। यही अभ्यास आज सारा दिन भी हम करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, यदि तुम्हें विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकास दो। हमने अपने लिए भी बहुत कुछ कर लिया, परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें करना है इस महान देश भारत के लिए और सारे संसार के लिए, जो आत्माएं दुखों में, अशांति में, समस्याओं में उलझी हुई दुख पा रही हैं, जिनको कोई सहारा और ठिकाना नजर नहीं आता, वो शिव बाबा की ओर और हम सब की ओर प्यासी नजरों से निहार रही हैं। हम अपने को ये श्रेष्ठ संकल्प दें कि मुझे अब रोज विश्व को सकास देनी है, 6 बजे सवेरे, 6 या 7 बजे शाम को, 10-10 मिनट योगयुक्त होकर शक्तियों की, पवित्रता की, शांति की किरणें चहुं और फैलानी है। तो आज सारा दिन हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए पहला अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बहुत तेजस्वी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अपने स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे बुद्धि को
स्थिर कर देंगे, अर्थात जैसे हम अपने को देख ही रहे हैं, हमसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, एक एक संकल्प भी साथ में रख लें, फिर शिव बाबा को परम धाम में देखेंगे, उस पर बुद्धि स्थिर करेंगे और धीरे धीरे उसकी महिमा को स्मृति में लाएंगे। इस तरह बार बार ये अभ्यास करने से हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। ओम शांति।